हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय टुडेज टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। आज हम एल्केन्स के सेकंड पार्ट में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की स्टडी करेंगे। तो जैसा हम मैंने कहा कि एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो आप देखिए अब हम इनको किस किस मेथड से बना सकते हैं। तो ये उसकी एक समरी है, आफ्टर दैट वी विल सी वन बाय वन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट ये अल्काइल हैलाइड, क्योंकि आपको आर एक्स में आपको आर एच चाहिए, मींस आपको हेलोजन हटाना है, तो इसके लिए आप जिंक की रिएक्शन HCl से करा सकते हैं। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगी जो इसका रिडक्शन करेगा। किस तरीके से? ऐसे एक हाइड्रोजन हेलोजन को, एक हाइड्रोजन आर को मिल जाएगी। नेक्स्ट आप जिंक की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा सकते हैं, तो जिंक एसिडेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। देन जिंक प्लस NaOH ले सकते हैं, तो सोडियम जिंकेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी जो इसका रिडक्शन करेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जिंक अमलगम लेके, जिंक प्लस मर्करी का सॉल्यूशन लेके उसके रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा सकते हैं, तो भी क्या होगा कि इथॉक्साइड जिंक प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। सिमिलरली आप जिंक प्लस कॉपर, मीन्स मर्करी की जगह आप कॉपर ले सकते हैं, और फिर भी उसके आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो आपको रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन मिल जाएगी। नेक्स्ट आप ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर वन थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, सेकंड आल्सो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आप जानते हैं वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मेटेलिक सोडियम की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो दो आर एक्स इससे दो सोडियम से रिएक्शन करते हैं, टू एटम्स ऑफ सोडियम से, तो दोनों सोडियम दोनों हेलोजन ले लेते हैं और माइनस हो जाता है टू एन ए एक्स और दोनों आर ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आर एच यू गेट आर आर, अगेन इट इज एन एल्केन। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा सकते हैं, तो व्हाट यू विल गेट ग्रिग्नार रिएजेंट एंड दिस ग्रिग्नार रिएजेंट ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू आर एच। नेक्स्ट ये हाइड्रोलिसिस आप किससे करा सकते हैं, कोई भी ऐसा एसिड या कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन देता हो। अब लाइक आप इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन देने के लिए HOH तो आपने लिख ही दिया, आप यहाँ पे HCl ले सकते हैं, आप यहाँ पे एसिटिलीन ले सकते हैं, आप यहाँ पे एल्कोहल ले सकते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देता हो H+, तो इसमें क्या सा होता है रिएक्शन कि ये आर एम जी एक्स जो बना इसमें आर नेगेटिव होता है और एम जी पॉजिटिव होता है, अल्काइल नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको एच पॉजिटिव मिल जाएगा, तो आर नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव विल गिव यू एल्केन, और एम जी एक्स के पास जो भी नेगेटिव है वो आपके पास यहाँ पे ओआर है या एसिटिलाइड है, क्लोराइड है, ओएच है, वो कोई सा भी ग्रुप है जो मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा एंड यू विल गेट एल्केन। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड से ही आप कोरे हाउस रिएक्शन कहलाती है ये, इसमें आप पहले इसकी लिथियम से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है आर एल आई लिथियम एल्केन। तो अब ये जो लिथियम एल्केनाइड मिला आपको, ये कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करता है और आपको क्या मिल जाता है आर एच, वी विल सी इट्स मैकेनिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड की फिफ्थ रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड का आप डायरेक्ट किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करा दें। यहां तो आपने नेसेंट हाइड्रोजन उसी समय इन सीटू बनाई थी, मींस टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक डाला प्लस HCl डाला जो हाइड्रोजन बनी, उसी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया अल्काइल हैलाइड लिया, तो यहां तो आप इन सीटू बनाते थे लेकिन यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट से जो आपको हाइड्रोजन देते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और थ्री आर रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन देते हैं और अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन एल्केन में कर देते हैं। तो ये फाइव मेथड थे किससे, अल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट आप देखते हो एल्कीन प्लस एल्काइन, आप दोनों में से कुछ भी लीजिए, इनमें क्या है डबल बॉन्ड है, तो आप इसकी हाइड्रोजन निकल से लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर और
हाई प्रेशर के ऊपर जब आप रिएक्शन कराते हो तो ये कौन सा कैटलिस्ट होता है, ये सेंडेमेयर रिएक्शन भी, सॉरी साबाते रिडक्शन भी कहलाती है, सेंडरसन साबाते रिएक्शन। तो इसमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, दोनों को एक एक हाइड्रोजन, या फिर इसके दो पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और दोनों को दो दो हाइड्रोजन मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखते हो इसमें एल्केन और एल्कीन दोनों से ही आपको क्या मिलती है, एल्केन मिलती है। लेकिन यहां मैंने RH लिखा है, इनसे मिलने वाली एल्केन कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एसिड ले सकते हैं। ये आपने एसिड लिया, इसमें आप देख रहे हैं R के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दो, या फिर आप सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कर दो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दो, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आप क्या देखेंगे, पहले इसका सॉल्ट बनेगा RCOONA, वो दोबारा NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 बाहर और RH आपको देता है। तो ये डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहलाती है, सोडा लाइम रिएक्शन भी कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहलाती है। और इसमें हम क्या करते हैं, CaO को काम में लेते हैं, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिएक्शन मिक्सचर में से जो वाटर बन रहा है साथ में उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये एसिड प्लस बेस क्या देगा, पहले सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर को अगर आप नहीं निकालोगे तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो यहाँ टू स्टॉप द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हम CaO को काम में लाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सोडा लाइम, क्योंकि सोडा और लाइम दोनों की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, सोडियम सॉल्ट लेकर उसके उसका कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। तो इसका भी हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कैथोड और एनोड के ऊपर, पहले कैटायन गोज टू कैथोड, वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी NaOH के साथ, और एनायन गोज टू एनोड, वहां पे CO2 और एल्केन गैस बनेगी आपके पास। तो यहाँ आपको जो फॉर्मूला मिलने वाला है, अगेन RR फॉर्मूला मिलता है, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स एक साथ इसमें रिएक्शन करते हैं। तो ये इसकी थी 8th रिएक्शन। 9th इसकी रिएक्शन हम क्या देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि अगर आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, लाइक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, और उसका आप रिडक्शन, जैसे आपने यहाँ एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन किया था, वैसे ही आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसका रिडक्शन कराते हैं, तो इसमें चार हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। कैसे, दो हाइड्रोजन इसको और दो हाइड्रोजन कार्बन को मिल जाते हैं, और आपको मिल जाता है RCH2R-, और ये R- की वैल्यू आप H भी रख सकते हैं, आप R भी रख सकते हैं। जैसे आपने एल्डिहाइड या कीटोन से रिडक्शन किया, सेम वे में आप क्या कर सकते हैं, ROH भी ले सकते हैं। तो ROH के रिडक्शन से भी आपको क्या मिलती है, एल्केन मिलती है। तो ये था कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नाउ वी विल सी, ये उनकी समरी थी, नाउ वी विल सी वन बाय वन रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय रिडक्शन। तो हमने यहाँ एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक से कराते हैं तो हमें पहले मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हमें मिलती है नेसेंट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करती है। यहाँ मैंने हैलाइड लिखा है, आप चाहे तो इसको HX करके भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम जिंक की रिएक्शन एसिटिक एसिड से कराते हैं तो भी क्या होता है, आपको जिंक एसिटेट मिलता है, प्लस दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है जो इसका रिडक्शन करती है। सिमिलरली जिंक प्लस HCl से आपको जिंक क्लोराइड मिलता है, प्लस दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है जो इसका रिडक्शन करती है, RX का। नेक्स्ट अगर हम जिंक और कॉपर का मिक्सचर ले, बाइमेटलिक ले, तो उसमें हम रिएक्शन कराते हैं C2H5OH से, तो भी हमें RH प्लस X- मिलता है। ये हम बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ग्रेनुलर जिंक जो कि ग्रेनुलर है, ऑलरेडी दानेदार है, उसको इसमें डालते हैं। तो इसकी सरफेस के ऊपर, ग्रेनुलर जिंक की सरफेस के ऊपर कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है रिड्यूस होके, और फिर हम इसको वॉश करके और ड्राई करके इस रिएक्शन में काम में लाते हैं, जिससे हमें RH प्लस X- मिलता है।
जिंक हम चाहें तो मरकरी में भी डिजोल्व कर सकते हैं, तो जिंक का अमलगम बन जाता है, क्योंकि मरकरी में जो मेटलिक सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम अमलगम कहते हैं, और वो जिंक का है तो जिंक अमलगम, और उसकी रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो भी हमें एल्केन प्लस एक्स माइनस मिलता है। इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो वो टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में जिंक बीइंग मेटल के दो इलेक्ट्रॉन देता है, जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो आर एक्स है इसका होमोलिटिक फिशन होता है इस बॉन्ड का, कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, इसीलिए मैंने इस एरो को हाफ एरो दिखाया है, बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग ऑन बोथ एटम, मीन्स एक एक के पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आपको यहाँ दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, एक अल्काइल फ्री रेडिकल, एक हैलाइड फ्री रेडिकल, हैलोजन फ्री रेडिकल, और ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आर नेगेटिव मीन्स कार्ब एनायन बनाता है। ये कार्ब एनायन किसी भी हाइड्रोजन डोनर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके एल्केन प्लस ए माइनस आयन देता है। सेकेंड हम देखते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में ही, कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दी, या सोडियम बोरोहाइड्राइड से, या फिर ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड से, तो ये तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन देखिए इनकी रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। एल्काइल हैलाइड इफ इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी, देन ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट गिव्स एल्केन, वेयर एज इफ यू हैव टेकन टर्शरी एल्काइल हैलाइड इट गिव्स एल्कीन ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स गिव एल्केन एंड प्राइमरी डज नॉट रिएक्ट। सेकेंडली इफ यू टेक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मीन्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ऑन रिएक्शन विद ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड दे गिव एल्केन, तो ये इनकी रिएक्शन में थोड़ा सा आपने माइन्यूट फर्क समझना है। एल्काइल हैलाइड से ही थर्ड मेथड होता है बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं, तो दो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं दो मेटलिक सोडियम से एंड दे गिव आर आर प्लस एन एक्स। तो आर आर क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्केन, मतलब ऐसा एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और ये सोडियम हैलाइड प्लस स्मॉल अमाउंट में आपको इस रिएक्शन में एल्कीन भी मिलती है। यहाँ पे R की वैल्यू आप कुछ भी लेके चले, चाहे इवन नंबर चाहे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यू विल ऑलवेज गेट इवन नंबर ऑफ एल्केन कार्बन एटम इन एल्केन। जैसे आपने यहाँ मिथाइल हैलाइड लिया और आपने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन कर दी, तो आपको क्या मिलेगा C2H6, क्योंकि दोनों सोडियम इन दो हैलोजन से रिएक्शन करेंगे, और अगर आपने इथाइल हैलाइड लिया है तो ये दोनों हैलोजन तो सोडियम से रिएक्शन करेंगे और दोनों इथाइल जोड़ के आपको बनाएंगे C4H10 में, अगेन इवन कार्बन एटम की एल्केन मिलेगी। लेकिन अगर आप एक मिथाइल हैलाइड और एक इथाइल हैलाइड लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, हो सकता है रिएक्शन मिक्सचर में, देखो जैसे आपने ये कंटेनर में रिएक्शन कराई तो इसमें आपने मिथाइल हैलाइड भी लिया इथाइल हैलाइड भी लिया, तो अब वहां कोई चेक करने के लिए नहीं बैठा कि मिथाइल रेडिकल विल रिएक्ट ओनली विद इथाइल, वहां पे हो सकता है दो इथाइल रेडिकल आपस में रिएक्शन कर ले लाइक दिस, दो मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्शन कर ले लाइक दिस, और हो सकता है एक मिथाइल एक इथाइल से कर ले, तो यू विल गेट ए मिक्सचर इथेन प्लस ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तो इसमें मिक्सचर में भी आप देखते हैं कि 1/3 रेशियो ही किसका आता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है ऐसी एल्केन का, फिर आपको इस मिक्सचर को सेपरेट करने पड़ता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, अगेन यू नीड मोर एनर्जी मोर टाइम टू सेपरेट इट, दैट्स व्हाई वी डू नॉट प्रिफर टू प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ एल्केन विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, हम किसको प्रिफर करते हैं, हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की एल्केन को बनाना ही इस मेथड से प्रिफर करते हैं। वुड्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम देखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयनिक मैकेनिज्म। फर्स्ट वी विल सी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस मिथाइल ब्रोमाइड जैसे आपने लिया, ये मेटलिक सोडियम से रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में, और सोडियम ब्रोमाइड प्लस फ्री रेडिकल देता है आर, आर फ्री रेडिकल मीन्स ये मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल मीन्स दो आर फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके देते हैं एल्केन।
अब इसमें क्योंकि हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि एक एविडेंस की तरह काम करता है कि रिएक्शन इसी मेथड से हो रही है। जैसे आपने ये इथाइल फ्री रेडिकल लिया, ये दूसरा इथाइल फ्री रेडिकल लिया, अब ये क्या करता है, फ्री रेडिकल इसमें से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है तो ये बन जाता है CH3CH3। जिसने एब्स्ट्रैक्ट किया वो बन जाता है इथेन, और जिसमें से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है वो CH2 होगा, तो CH2 और CH2 दोनों मिलके एक एल्कीन प्रोडक्ट देते हैं। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। सिमिलरली अगर हम आयनिक मैकेनिज्म देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म Rx पहले सोडियम से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट आयनिक प्रोडक्ट बनाता है R नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव मींस सोडियम एल्केनाइड्स, ये बनाता है और ये एल्काइल हैलाइड बनता है। ये Rx जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो इस RNA से जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बना है इससे रिएक्शन करेगा, तो डेफिनेटली NaX और R- और R+ ये आपस में रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के फेवर में भी हमें एक रिएक्शन मिलती है, वो क्या कि अगर हम ये देखें कि जो कार्ब एनायन बना यहाँ पे, ये कार्ब एनायन अगर इथाइल कार्बन आयन है तो ये दूसरे एल्काइल हैलाइड मींस इथाइल हैलाइड से रिएक्शन करता है, इसमें से हाइड्रोजन को क्या करता है एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन में, और यहाँ देखो ये एक तरह की कौन सी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये बेस है तो बेस की प्रेजेंस में E2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसमें देखो एक X नेगेटिव बाहर जा रहा है, यहाँ से H+ इसको मिल रहा है, तो आपको इलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी मिलता है, या आप यहाँ पे जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कह रहे थे यहाँ आप उसको इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से दोनों ही मैकेनिज्म के फेवर में एक एक एविडेंस हमारे पास है। अगर हम इस रिएक्शन की लिमिटेशंस देखें तो वो क्या है लिमिटेशंस, फर्स्ट वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन, क्योंकि इसमें कम से कम दो कार्बन की एल्केन तो बनेगी क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमें जो प्रोडक्ट मिलता है इट इज ऑलवेज जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला सिमेट्रिकल एल्केन हमें मिलती है, क्योंकि इससे हम ऑड नंबर वाले एल्केन को बनाना प्रीफर नहीं करते, उसमें हमें डिस्टिलेशन करना पड़ता है। और तीसरा इसमें हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन नहीं करा सकते बिकॉज इसमें स्टेरिकल हिंड्रेंस रिएक्शन इज कोरे हाउस रिडक्शन में अगेन हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पहले लिथियम से कराते हैं तो हमें एल्काइल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड मिलता है, और ये जो एल्काइल लिथियम मिला ये कॉपर आयोडाइड से रिएक्शन करके LAC मीन्स लिथियम एल्काइल कॉपर मिलता है हमें, और ये लिथियम एल्काइल कॉपर के साथ हमें लिथियम आयोडाइड मिलता है। ये लिथियम एल्काइल कॉपर अगेन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके RR- एल्केन बनाता है, RCU+ LiX बनाता है। यहाँ ध्यान दो कि इसमें एक R आता है LAC से, दूसरा R आता है एल्काइल हैलाइड से, तो आप यहाँ पे दोनों R और R- की वैल्यू सेम भी ले सकते हैं डिफरेंट भी ले सकते हैं, तो यहाँ आपको इवन और ऑड दोनों नंबर की कार्बन एटम की एल्केन मिलती है। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ कोरे हाउस रिडक्शन। एल्काइल हैलाइड से ही हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं जिससे हमें अगेन एल्केन मिलती है। ध्यान दो आपने एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई तो यू गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ये जो RMGX है इसमें आप ध्यान दो R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है R नेगेटिव होता है, और आप किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो या हाइड्रोजन आयन डोनर से रिएक्शन करा दो लाइक वाटर H+OH- एसिटिलीन H+ एसिटिलाइड नेगेटिव H+ एसिटेट नेगेटिव एसिटिक एसिड में, ऑरिक एसिड में H+AuCl4 नेगेटिव, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड में H+HPTCl6-, अमोनिया में H+NH2 नेगेटिव, H+OR नेगेटिव एल्कोहल, तो आप इसकी जगह कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, तो सबका ये जो H+ है ये किसको मिलने वाला है, R नेगेटिव को, तो ये आपको मिल जाएगा RH नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस आपको क्या मिलेगा MgX, तो आपके पास पहले से ही है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये माइनस का ग्रुप, जो भी माइनस का ग्रुप है ये इसके साथ
जुड़ जाएगा और आपको मिलेगी एल्केन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी एल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इज फ्रॉम एसिड्स कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होता है इसमें कि हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का, तो हमें क्या मिलता है, एक इथेन गैस मिलती है प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आप यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल भी लिख दो और यहाँ लिख दो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो KOH है, या आपने सोडियम ले रखा है तो यहाँ सोडियम मिलेगा और पोटेशियम ले रखा है तो आपको पोटेशियम मिलेगा। तो दो KOH इस तरीके से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH मिलेंगे। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन। फिर ये दो CO2 यहाँ पे मिलेंगे और दोनों मिथाइल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे। लेकिन ये रिएक्शन होती किस तरह से है कि इसमें जो पहले डिसोसिएशन होगा तो कैटायन और एनायन मींस एसीटेट आयन और पोटेशियम आयन बनेंगे। इसमें एनायन विल गो टू एनोड एंड कैटायन विल गो टू कैथोड। तो देखो एनायन जो है वो एनोड पे जाएगा एसीटेट आयन और क्या करेगा, एसीटेट फ्री रेडिकल, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है प्लस टू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये एसीटेट फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। ये तुरंत क्या करेगा, CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके दो मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर है तो दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, इथेन बना देते हैं। तो आपने देखा एक ये इथेन गैस और एक ये CO2 गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मिल रही है आपको, ये दोनों गैस मिल रही है आपको एनोड के ऊपर। नेक्स्ट आपने पोटेशियम लिया, ये दो पोटेशियम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे क्योंकि कैथोड पे जाएंगे, कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपको बना देंगे दो पोटेशियम। और ये दोनों पोटेशियम क्योंकि अनस्टेबल है, मेटलिक पोटेशियम अनस्टेबल होगा और वाटर साथ में रखा हुआ है तो वाटर से रिएक्शन करके तुरंत क्या दे देते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा एक गैस कहाँ पे रिलीज हो रही है, कैथोड पे रिलीज हो रही है और दो गैस कहाँ पे रिलीज हो रही है, एनोड पे। तो अल्टीमेटली इसमें तीन गैसेस रिलीज होती है, ये दो गैसेस जो है एनोड पे, ये वाली गैस कैथोड पे, साथ में आपको मिलता है KOH। हम इसकी लिमिटेशंस देखें तो क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो इसीलिए इसमें इस मेथड से हम मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मिनिमम टू नंबर ऑफ कार्बन तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्योंकि इसमें अगेन दो मॉलिक्यूल, दोनों मिथाइल अलग अलग मॉलिक्यूल से आ रहे हैं तो आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की एल्केन ही मिलेगी सिमेट्रिकल। अगर आप इसका मिक्सचर भी लेके चलेंगे तो प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट भी मिक्सचर मिलेगा जिसका सेपरेशन अगेन टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग होगा। तो इससे हम ऑड नंबर की एल्केन्स को नहीं बना सकते, केवल इवन नंबर की एल्केन्स को बना सकते हैं। तो यही लिमिटेशंस वुड्स रिएक्शन की भी थी और इसकी भी है। नेक्स्ट इज सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको ये वाटर जो है अगेन सॉल्ट को हाइड्रोलाइज कर सकता है और आपको दे सकता है एसिड प्लस बेस। तो हम इस रिएक्शन को चाहते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन में ना आए तो हम यहाँ पे NaOH के साथ क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी जो है वो स्टॉप हो जाती है, मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, केवल और केवल फॉरवर्ड रिएक्शन ही प्रोसीड होती है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि यहाँ हम इसको इसके साथ फ्यूज करते हैं, मीन्स एक्सेस में NaOH लेके और सोडियम एसिटिक एसिड को इसके साथ हीट करते हैं तो आपको ये Na2CO3 बाहर निकल जाता है और H यहाँ मिलता है। तो ये आपको मिलता है मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। आप अगर पोटेशियम लेंगे तो आपको पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम लेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इसमें क्योंकि हम सोडा और लाइम दोनों को काम में लेते हैं इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सोडा लाइम रिएक्शन भी होता है और क्योंकि इसमें एसिड ग्रुप खत्म हो जाता है इसीलिए इस रिएक्शन का नाम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होता है। और इसमें क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से आपको एल्केन मिल रही है, रिएक्टेंट एक है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो आप मिथाइल की जगह इथाइल लेंगे तो आपको इथेन मिलेगा, प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपेन और अगर आर लेंगे तो आपको RH मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इससे इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों नंबर की एल्केन्स को बना सकते हैं।
आप इस ई रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड को या किसी भी एसिड को ऑर्गेनिक बेस, जैसे मैंने यहाँ पिरिडीन लिया, इसके साथ कॉपर क्रोमाइट की प्रेजेंस में आप गर्म कर सकते हैं, तो यू गेट मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें भी एसिड ग्रुप खत्म हो रहा है, तो हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ ध्यान देना, क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा है चेन में, तो चेन का डिग्रेडेशन हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी डिग्रेडेशन रिएक्शन में अगर हम डाइबेसिक एसिड ले लें, जैसे मैंने यहाँ मेलोनिक एसिड लिया है और नीचे मैंने सक्सिनिक एसिड लिया है, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि दो एसिड ग्रुप हैं, इनके भी अगर मैं सोडा लाइम रिएक्शन करूं NaOH और CaO के साथ, तो दोनों COH ग्रुप खत्म हो जाएंगे और आपको यहाँ मिलेगा मीथेन, इसमें भी यहाँ दोनों COH ग्रुप खत्म हो जाएंगे और आपको मिलेगा इथेन। तो आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन और डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो रहे हैं, तो हम इसको दोनों ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, हम क्या करते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन की रिएक्शन मेटलिक कैटलिस्ट लेते हैं, निकिल, पैलेडियम या प्लेटिनियम, हम कुछ भी काम में लेते हैं, लेकिन निकिल को हम रेने निकिल की फॉर्म में काम में लेते हैं, और एल्कीन या एल्काइन जब हम लेंगे हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, वी गेट एल्केन्स। अगर आपने एल्कीन लिया है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, एक बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों पे एक एक हाइड्रोजन, और अगर आपने एल्काइन लिया है तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है। अब ये रिएक्शन होती कैसे, पहले हम रेने निकिल बनाते हैं, रेने निकिल क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव निकिल होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं निकिल और एल्यूमिनियम का एलॉय डिजोल्व कर देते हैं एसिड के अंदर। ये जो एसिड है ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम को डिजोल्व कर लेगा एलॉय में से और सिर्फ निकिल बचेगा, और जहां जहां से एल्यूमिनियम चला गया वहां वहां क्या होगा, खाली निकिल बचेगा, तो इसीलिए आपको ये पोरस निकिल मिलता है, और ये पोरस निकिल की सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके उनको अपनी सरफेस पे जोड़ सकता है। तो देखो अगर हाइड्रोजन इसके पास आता है तो ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करता है और -30 कैलोरी एनर्जी बाहर निकलता है, जब इथीन आता है तो इथीन के साथ भी रिएक्शन करता है और -60 निकलता है, तो दोनों ही क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इस तरह से एक स्मॉल एरिया में स्मॉल वॉल्यूम में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ इतने सारे हाइड्रोजन और इथीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जैसे ही कोई नया इथीन या हाइड्रोजन आता है या तो वो हाइड्रोजन से या फिर इथीन से रिएक्शन करके और एल्केन बना देता है। अब क्योंकि एल्केन के पास पाई बॉन्ड नहीं है तो वो इससे अटैच नहीं हो पाता, वो इसकी सरफेस को छोड़ के चला जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ इथीन के लिए फ्रेश सरफेस बची रहती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं रेने निकिल की हेल्प से इस रिएक्शन को कराते हैं। यहाँ आपने अगर इथीन की जगह प्रोपीन या प्रोपाइन, साथ में अगर आपने ब्यूटीन या ब्यूटाइन लिया है तो भी आपको क्या मिलेगा प्रोपेन और ब्यूटेन या पेंटेन, इस तरह से गैसेस मिलती हैं। तो ये था रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन से एल्केन्स को सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आप कीटोन ले सकते हैं, आप एल्डिहाइड्स ले सकते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड, मींस दोनों जगह आप एच या आर ले सकते हैं। अब आप इसकी रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी से भी कराते हैं, इसका मैकेनिज्म आपको मैंने एक अलग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की प्लेलिस्ट में इसका पूरा मैकेनिज्म दिया है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ही रिएजेंट 4 हाइड्रोजन देते हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिलती है और 2 इसको, सिमिलरली 2 ऑक्सीजन को 2 कार्बन को, 2 इस ऑक्सीजन को और 2 कार्बन को, तो यहाँ आपको मिलता है HCH2H, यहाँ RCH2H और ये RCH2R-। तो आपने क्या देखा, तीनों ही केसेस में आपको क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ROH लेते और इन दोनों में से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराते तो एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको मिलती है, तो आपको मिल जाता है RH। तो इस तरीके से हम एल्कोहल्स और कार्बोनाइल्स के रिडक्शन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्केन गैसेस हैं वो आपको नेचुरल गैस की तरह से जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम वेल से भी मिलती है। आप जानते हैं जो लोअर मेंबर ऑफ एल्केन्स है C1 से लेके C5 तक, ये आपको गैसियस फॉर्म में उसी पेट्रोलियम वेल में जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से वहीं से मिलते हैं। इसके साथ आपको C11 तक के लिक्विड C6 से C11 तक के लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ये आपको क्या होते हैं
ऊपर की तरफ सबसे गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, जबकि ये लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, और C11 से आगे क्योंकि सॉलिड होते हैं तो वो लास्ट में आपको तारकोल के साथ मिलते हैं। और आपको मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस या मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी मार्शी एरिया है उन मार्शी एरिया में वेजिटेबल प्रोडक्ट, जितनी भी पुरानी वेजिटेबल है या एनिमल्स हैं, वो सब क्या होते हैं, डिके होते रहते हैं, और उनके एनारोबिक डिके से आपको मीथेन गैस मिलती है मार्शी एरिया में, वहां इसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो दीज वर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड अकरेंस ऑफ एल्केन्स, एंड इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। थैंक यू।